हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज साइकोसोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है, जो एक नर्स होती है, उसके लिए मेन जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए जो वुमेन का कल्चर है उससे रिलेटेड, ठीक है, कि जो वुमेन है उसका क्या कल्चर है, तो उसके बारे में नर्सिंग स्टाफ को बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो कल्चर और साइकोसोशल एस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है जो कि प्रेगनेंसी के ऊपर नेगेटिव या फिर पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकता है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं हम द सिंगल मदर। तो सिंगल मदर होने के क्या क्या रीज़न है, किस वजह से सिंगल मदर्स होती हैं, तो अनमेरिड, ठीक है, अगर वुमेन अनमेरिड है, अगर विडो है वुमेन, ठीक है, अगर डाइवोर्स है, तो इन सब की वजह से सिंगल मदर हो सकती है। और सेपरेशन भी कॉज होता है सिंगल मदर का, जैसे कि फादर मे बी इन इम्प्रिजन, मे बी मिलिट्री ड्यूटी और जस्ट सेपरेटेड फ्रॉम मदर, या फिर सरोगेट मदर भी रीज़न होता है सिंगल मदर का, ठीक है। वुमेन हु कैरीज द फीटस ऑफ द इनफर्टाइल वुमेन हस्बैंड एंड देन रिलिंक्विशेस द चाइल्ड टू कपल्स फॉर रीयरिंग। दिस इज यूजुअली डन फॉर कपल दैट हैव डिफिकल्ट विद डिलीवरिंग ए वायबल फीटस। काउंसलिंग, सिंगल मदर को कैसे काउंसलिंग किया जाता है, मोस्ट सिंगल पेरेंट्स पेशेंट्स नीड काउंसलिंग रिगार्डलेस ऑफ देयर एज। दिस काउंसलिंग इज डन टू एड हर टू मेनी रियलिस्टिक प्लान फॉर हर चाइल्ड फ्यूचर। सेकेंड, प्रोवाइड असिस्टेंट टू हेल्प हर कोप विद इमोशनल स्ट्रेस स्पेशली ड्यूरिंग लेबर। इफ एट ऑल पॉसिबल हैव द पेशेंट फाइंड ए फ्रेंड टू गो थ्रू लेबर विद हर। थर्ड है प्रोवाइड सोर्सेस ऑफ काउंसलिंग टू इंक्लूड वेदर टू हैव एन अबॉर्शन, कीप द चाइल्ड एंड पुट द चाइल्ड अप फॉर अडॉप्शन। Inform her of community agency that may help her financial with child care and other responsibilities. Provide mechanism to help her cope with loneliness. Okay, और जो single factor affecting development of child in single parent family. तो क्या क्या होते हैं, कौन कौन से factor होते हैं, जैसे कि age of parent, एजुकेशन लेवल ऑफ पेरेंट, ऑक्यूपेशन ऑफ पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स। और सिंगल पेरेंट्स के, जो सिंगल मदरहुड है, उसके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, जैसे कि रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है, ठीक है, चाइल्ड केयर के लिए, जैसे कि पर्सनल हाइजीन, डाइट, कैरियर, फिजिकल और इमोशनल नीड भी बढ़ जाती है। और सोशल प्रेशर ऑन द चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड पे भी सोशल प्रेशर जो है इंक्रीज होता है इन स्कूल, ठीक है। और चाइल्ड फील बैड एज ही हैज़ नो नेम टू टेल ऑफ हिज पेरेंट्स। और उसके अलावा इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड, ठीक है, जो चाइल्ड में है इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, जैसे कि सिंगल पेरेंट फैमिली आर एट ए हाई रिस्क ऑफ पॉवर्टी एंड पुअरर हेल्थ देन कपल फैमिली। उसके बाद में फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, तो ओवर बर्डन बाय सो मेनी रेस्पॉन्सिबिलिटी शी फील लोनली एंड डिप्रेस। देन टाइम फैक्टर्स भी एक इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि एज ए सिंगल पेरेंट से मे नॉट बी एबल टू गिव प्रॉपर टाइम टू द चाइल्ड, ठीक है। इसके बाद में प्रेग्नेंट टीनेजर, मैरिड एंड अनमैरिड, द टीनेजर इज स्टिल ग्रोइंग, शी नीड ए स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशनल नर्सिंग केयर
द डाइट शुड बी एडजस्टेड टू वाट एंड वेयर शी नॉर्मल ईट. देर इज ए हाई मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी फॉर मदर अंडर 20 ईयर ऑफ एज एंड देर इन्फेंट. बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ पेरीनेटल केयर शी मे ट्राई टू हाइड द प्रेगनेंसी. द टीनेजर लैक कॉम्प्लियंस विद इंस्ट्रक्शन एंड लैक ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी. अबाउट 16 मिलियन गर्ल एज 15 टू 19 ईयर गिव बर्थ एनुअली. 90% ऑफ देम आर इन डेवलपिंग कंट्रीज. तो ये इसकी इंसिडेंस रेट है. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यंग मदर आर कॉमन अक्रॉस द रीजन ऑफ द वर्ल्ड. जैसे लिटिल एजुकेशन, रूरल ड्वेलिंग एंड लो इनकम. बेबीज बोर्न टू एडोलेसेंट मदर फेस हायर रिस्क. Adolescent are at an increased risk of preterm labor delivery and compared to older women. Babies born to adolescent mother are more likely to be of low birth weight. Babies born to adolescent mother are at an increased risk of prenatal and infant mortality. Potential risk to the adolescent mother's life prospects. On the other hand, an unmarried pregnancy, unmarried pregnant adolescent may be driven away by her family or abandoned by her partner and be left with no means of support. Next, देखते हैं unwed mother. Unwed मदर. अनमेड मदर का क्या मीन्स है? अनमेरिड मदर. अनमेड मदर आर कॉमन इन वेस्टर्न कंट्रीज एंड एज दे डू नॉट थिंक इट टू बी रॉन्ग एंड देयर गवर्नमेंट सपोर्ट देम एंड प्रोवाइड देम ऑल द फाइनेंशियल सपोर्ट. एंड द फ्रेंड्स एंड नेबर्स एंड द पीयर ग्रुप डू नॉट माइंड इट एंड सपोर्ट इट. बट फॉर्चुनेटली इट इज स्टिल नॉट कॉमन इन इंडिया. But will be become more common in future as gradually the social taboos surrounding sex outside wedlock are the decreasing. Unmarried mother are of concern to people is very many societies, partially because their behavior threatened and almost universal norm of bearing children only with in a marital relationship, and also because they pose as a complex problem for the medical and social services. Despite his concern and the fact that many agencies, both social and medical, caters for their need, little of what is known about unmarried mother. Factor influencing the role of the unwed father. First is economic. Can be support a child? Does he have a job? He is married with another family to support? And what is age of father? If teenager, is he still in school? Second, social implication. These implications indicate the reason of news by his peers. Will the pregnancy force an early marriage? If marriage of someone else, who will this affect the relationship? Psychological response. Many question whether he is the father. Many experience a sense of loss of grief if they cannot be involved with the child in same states. Adoption without consent may be allowed. Many experiences anger from the girl, her of his parent, may affect his relationship with another female. Factor the parents of unwed mother and father. The parent of the unwed mother and father are also important. They may be concerned with the following reaction: emotional. First, rejection of neglect from family or friends.
may feel exposed the judgment attitude of medical and nursing personnel over how they could have let this happen, may feel guilty for what happened, may force financial burden, especially if they decide the keep of adopt the child, may face the permanent loss of grandchild if the child is give up for adoption, may face loss of relationship with this child as a result of the decision made. Next is domestic violence. Domestic violence is a serious social problem as its negative impact of both victim and members of his and her family, especially on children. Domestic violence is defined as the violence against adolescent and adult female within the context of family or close relationship. It is seen in 1 to 2% cases. Studies have shown the effect not only have immediately impact but also have long-term effect. Example, abuse as a risk factor for sleep problem and in adulthood. Domestic violence during pregnancy. A study found that about 4 to 8% of pregnant women experience some form of IPV, include physical, psychological and sexual abuse, range from 1 to 20% cases. Based on fragile family data, physical abuse 6% and psychological abuse 29%. Effect of domestic violence. Studies have shown physical violence has negative effect on maternal mental health, parenting skill, dad unable to provide warmth and engage with the child. How about psychological abuse and economical abuse? And also cause antepartum hemorrhage, fetal growth restriction, premature labor and perinatal death. Violence during pregnancy. Overall, child health, both physical and emotional abuse, child temperamental, emotional abuse significantly affect child temperament, while physical abuse has no effect. Emotional and psychological abuse is a very important factor of well-being. Risk factor. Throughout risk factor vary, some characteristics seem to increase the likelihood of violence. First, individual, the personal attribute associated with higher risk of violence include limited education, a young age, lower economical status, a history of abusive and substance use, and for partner violence, negative attitude about female. Second, family and relationship. Within family, risk of violence increase with the marital conflict, male dominance, economical stress, and poor family functioning. Third is community. Within communities, the risk of higher, there is gender inequality and lack of community resources. Fourth is societal. On a broader level, higher risk is found in societies with a traditional gender norm or a lack of autonomy for women. Physical effect of violence during pregnancy, insufficient weight gain, vaginal cervical kidney infection, vaginal bleeding, abdominal tenderness, hemorrhage, complication during labor, delay prenatal care, miscarriage, low birth weight, rupture membrane, abruption placenta, uterine infection and death. Health effect by violence, injury, death, sexual and reproductive health, risky behavior and mental health. Prevention, improve education status of the woman and girl, increase the opportunity of the girl and woman, provide sexual education at the early age of the girl, improving their self-esteem and negative aging skill, reducing gender inequality,
अवेयर द गर्ल एंड वुमेन अबाउट देयर राइट एंड पावर, एनकरेज वुमेन टू फाइट अगेंस्ट वायलेंट एक्टिविटी. मैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इन प्रेगनेंसी इज देर इज नीड फॉर स्क्रीनिंग ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड ए वेरी हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशियस इज रिक्वायर्ड ऑन द पार्ट ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन हु शुड आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस. द वुमेन शुड बी सीन अलोन एंड शुड बी आस्क अबाउट द वायलेंस और ए सर्वे फॉर्म अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस शुड बी फिल्ड. टीनेजर नेक्स्ट इज टीनेज प्रेगनेंसी. टीन प्रेगनेंसी इज डिफाइंड एज ए टीनेजर गर्ल विद इन ईयर ऑफ 13 to 19 बिकम प्रेगनेंट. टीन प्रेगनेंसी प्रिवेंशन इज इम्पोर्टेंट ऑफ द हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर यूथ. एंगेजिंग इन सेक्सुअल रिस्क बिहेवियर सच एज हैविंग सेक्स एट एन अर्ली एज, हैविंग मोर देन वन सेक्स पार्टनर एंड नॉट यूजिंग कंडोम एंड कॉन्ट्रासेप्टिव कैन लीड टू अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी, एसटीडीज एंड एचआईवी इन्फेक्शन. प्रिवेंशन ऑफ टीनेजर प्रेगनेंसी, एब्सटिनेंस, प्रोटेक्टेड सेक्स, टेकिंग टू टीन्स अबाउट आउटकम एंड रिस्क फैक्टर ऑफ प्रेगनेंसी, कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन. रिस्क फैक्टर, लो बर्थ वेट, प्रीमेच्योर बर्थ, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाई ब्लड प्रेशर, हाई रेट ऑफ इन्फेंट डेथ. 38% ऑफ टीन गर्ल हु हैव ए चाइल्ड बिफोर 18 गेट ए हाई स्कूल डिप्लोमा बाई एज 22. 30% ऑफ टीन गर्ल हु हैव ड्रॉप्ड आउट ऑफ हाई स्कूल से प्रेगनेंसी इज ए रीजन. एंड 67% ऑफ टीन मदर हु मूव्ड आउट ऑफ देयर फैमिली हाउस लाइव बिलो द पॉवर्टी लेवल. चिल्ड्रन बोर्न टू टीन मदर स्कोर सिग्निफिकेंटली वर्स ऑन मैथ एंड रीडिंग टेस्ट. साइन सिम्टम ऑफ टीनेजर प्रेगनेंसी इज इट डिपेंड्स ऑन हाउ फार अलोन इन प्रेगनेंसी, मिसिंग ए पीरियड, नोजिया, वोमिटिंग, ब्रेस्ट चेंजेस एंड यूरिनरी मोर ऑफन और बेबी मूवमेंट्स. इफ यू आर एक्सपीरियंस सिम्टम्स कॉल योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड राइट डाउन ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चन एंड डू नॉट बी अफ्रेड टू आस्क. एंड डायग्नोसिस ऑफ टीनेजर प्रेगनेंसी इज प्रेगनेंसी यूरिन टेस्ट डिटेक्ट HCG लेवल एंड इफ अनश्योर एंड ऑलवेज बेस्ट बीटा HCG डन एंड होम प्रेगनेंसी टेस्ट आर मोर देन 97% एक्यूरेट एंड ऑलवेज बेस्ट टू डू विद द फर्स्ट यूरिनेटिंग इन द मॉर्निंग. इफ अनश्योर रीटेस्ट अगेन एंड ब्लड टेस्ट एंड ऑल्सो डिटेक्ट ऑफ HCG एंड मोर एक्सपेंसिव एंड यूज ओनली फॉर अर्ली डायग्नोसिस. एनी टीनेजर वुमेन हु विजिट इन हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफिस विद इरेगुलर और एब्सेंस पीरियड शुड अंडरगो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट एंड दिस शुड बी डन इवन इफ शी रिफ्यूजेज हिस्ट्री ऑफ कोइटस. एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ टीनेजर प्रेगनेंसी इज अर्ली मैरिज, पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एक्सपोजर ऑफ डोमेस्टिक और सेक्सुअल वायलेंस, सोशल आइसोलेशन, लो एकेडमिक इंटरेस्ट एंड अचीवमेंट, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, ट्रबल इन स्कूल एंड विद इन लॉज एंड लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी एंड सिंगल पेरेंट होम एंड ड्रग एडिक्शन लाइक स्मोकिंग, एल्कोहल एंड सब्सटेंस अब्यूज एंड नॉन यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव. एंड प्रिवेंशन ऑफ टीनेजर प्रेगनेंसीज स्कूल सेक्सुअल एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ एब्सटिनेंस, अवॉइडेंस ऑफ अर्ली मैरिज एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन.
एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ टीनेजर प्रेगनेंसी इज मैटरनल कॉम्प्लिकेशन इज अबॉर्शन, एनीमिया, माल न्यूट्रिशन, प्रीएक्लेम्सिया, प्री टर्म लेबर, लोअर जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, डिफिकल्ट डिलीवरीज इन स्मॉल पेल्विस, सिजेरियन सेक्शन एंड फीटल डिस्ट्रेस. एंड फीटल कॉम्प्लिकेशन इज प्रॉब्लम ड्यू टू प्री मेच्योरिटी, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन, लो बर्थ वेट बेबीज, डेवलपमेंटल डिले, बिहेवियरल प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, एक्सपोजर ऑफ डोमेस्टिक वॉयलेंस, एक्सीडेंटल ट्रॉमा, पॉइजनिंग एंड पॉवर्टी. एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट इज कंटिन्यू पॉवर्टी एंड वेलफेयर डिपेंडेंसी, सोशल आइसोलेशन, लो लेवल ऑफ एजुकेशन, लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी, डिप्रेशन एंड फर्दर अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड एक्सपोजर ऑफ डोमेस्टिक वॉयलेंस, चाइल्ड बिहेवियरल प्रॉब्लम, पुअर पेरेंटिंग स्किल एंड सब्सटेंस एब्यूज एंड मेडिकल प्रॉब्लम सच एज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड सर्वाइकल कैंसर. एंड मैनेजमेंट ऑफ टीनेजर प्रेगनेंसीज, एडोलेसेंट गर्ल मे नॉट सीक अबॉर्शन अंटिल टू लेट ड्यू टू इट इग्नोरेंस एंड फियर और मे गो टू अनट्रेंड पर्सन फॉर अबॉर्शन. एंड क्रिमिनल एंड सेप्टिक अबॉर्शन आर मोर कॉमन अमंग टीनेजर. एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सर्विसेज शुड बी मेड ईजीली अवेलेबल विद ट्रेंड डॉक्टर एंड काउंसलर टू हेल्प हर मेक ए डिसीजन एंड प्रोवाइड ऑल नेसेसरी हेल्प एंड सपोर्ट. सी शुड ऑल्सो बी गिवन मेडिकल टू प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन. इफ हर प्रेगनेंसी हैज़ प्रोग्रेस बियॉन्ड द लीगल लिमिटेड ऑफ परफॉर्मिंग MTP, it is 20 weeks, beyond 20 week of pregnancy, she should be followed up regularly in antenatal clinic and she should have all the necessary investigation and give above. And she should be given regular iron and folic acid and calcium tablet and should have advice about dietary allowance like adequate calorie intake and green leafy vegetable. And serial ultrasound scan should be done for fetal growth and later fetal monitoring. Okay, thank you.